हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ. गिव इम्पॉर्टेंस टू कैलकुलेशन अलोंग विद द कंसेप्ट्स फॉर गेट. ठीक है, ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, गेट एग्ज़ाम के लिए, ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. देखिए, होता क्या है, हम चाहे किसी भी ब्रांच से गेट के लिए अपियर कर रहे हों, वेदर इट इज़ मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, हर एक ब्रांच में काफ़ी कैलकुलेशंस आपको करने होते हैं और काफ़ी सारे कंसेप्ट्स होते हैं. ठीक है, जब हम क्लासरूम में कोचिंग लेते हैं या हम वीडियोस को फॉलो करते हैं सेल्फ स्टडी करते टाइम भी, ठीक है, या आप डीजी मेंटो की वीडियो को फॉलो करते हैं अगर आपने ऑनलाइन एक्सेस लिया है, तो आप कोई भी प्रिपरेशन का तरीका यूज़ कर सकते हैं और वो आप करते हैं. ठीक है, तो जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका पूरा फोकस जो होता है वो कंसेप्ट्स पर होता है. जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, सपोज करिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं और आप रूट लोकस सीख रहे हैं, तो आपका पूरा फोकस होता है कि किस तरीके से आप रूट लोकस बना पाएँ, किस तरीके से आप रूट लोकस के रूल्स को याद रख पाएँ विथ एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो कंसेप्ट्स पर होता है, ना कि कैलकुलेशन पर. हम क्लासरूम में भी जब फैकल्टी हमें पढ़ा रहा होता है तो हम ये समझ रहे होते हैं कि वो हमें क्या कंसेप्ट्स दे रहे हैं. ठीक है, लेकिन क्लासरूम में भी इवन जब कोई कैलकुलेशन करना होता है तो सिर्फ 1 या 2% स्टूडेंट ही कैलकुलेटर का यूज करके कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स उस आंसर को कॉपी करते हैं. ठीक है, इवन जब आप घर में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं, अरे ये कंसेप्ट तो मुझे आता है, ये कंसेप्ट आप अप्लाई कर लेते हैं, हाँ ठीक है, इसके आगे तो नॉर्मल कैलकुलेशन ही है, वो तो हम कर ही सकते हैं, ये सोच के हम कैलकुलेशन को लीव कर देते हैं. ठीक है, तो कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर गेट एग्जाम, ये पॉइंट हमें समझना होगा. ठीक है, तो आप कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, लेकिन कंसेप्ट के साथ ही साथ कैलकुलेशन को भी इम्पोर्टेंस दीजिए. ठीक है, क्योंकि आप अगर गेट एग्जाम की बात करें तो जो 95% ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं. ठीक है, आपको काफ़ी से ज़्यादा कैलकुलेशन करना होता है. तो होता क्या है, बेसिकली हम कैलकुलेशन को हैबिट में नहीं लेके आते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जिसके कारण जब हम गेट एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि हम कैलकुलेशन स्पीड से नहीं कर पाते. देखिए, एग्जाम सिर्फ 3 आवर्स का होता है और वो हमारे लिए पूरी लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है. ठीक है ना, क्योंकि हम 1 ईयर या 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और हमारा पूरा कैरियर उस पर होता है, तो हम काफ़ी प्रेशर में भी होते हैं. ठीक है, तो उस प्रेशर में कैलकुलेशन और स्लो हो जाता है आपका, तो इसीलिए कैलकुलेशन की स्पीड जो है वो अगर आप बढ़ाना चाहते हैं या कैलकुलेशन में एक्यूरेसी आप चाहते हैं, तो आप कैलकुलेशन को प्रिपरेशन के साथ साथ इम्पॉर्टेंस दीजिए, कंसेप्ट के साथ साथ इम्पॉर्टेंस दीजिए. यहाँ मैंने एक और वर्ड यूज़ किया, एक्यूरेसी. होता क्या है, बेसिकली कुछ लोगों का कैलकुलेशन फास्ट भी होता है, एग्ज़ाम में भी वो फास्ट कर लेते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में नहीं होते हैं ना तो एक्यूरेसी आपकी इतनी अच्छी नहीं होती. बहुत बार देखा गया है कि आप छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण आपके 2 मार्क्स चले जाते हैं या 4 मार्क्स चले जाते हैं, और वही 2 या 4 मार्क्स आपका कैरियर डिसाइड कर देते हैं. ठीक है ना, हो सकता है उस 2 मार्क्स के कारण आपका रैंक जो है, जो 300 आने वाला था वो 800 चला गया, या जो 100 आने वाला था वो 400 चला गया, जिसके कारण से हो सकता है जो जॉब आपको मिलने वाली थी, जिस PSU में आपका सिलेक्शन हो सकता था, उस 2 मार्क्स के कारण वो नहीं हो पाया. ठीक है, तो ये मार्क्स जो हैं ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं. दैट्स वाई कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अलॉन्ग विद द कंसेप्ट कैलकुलेशन पर फोकस बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द लास्ट आपको ये ध्यान रखना होगा कि गेट के एग्जाम में आपको कैलकुलेशन करके ही आंसर टिक करने हैं. ठीक है ना, गेट के एग्जाम में जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आप 90% भी सही कर लें लेकिन लास्ट का 10% भी गलत कर दें तो आंसर आपका गलत ही होगा. ठीक है, तो हो सकता है आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो
लेकिन ड्यू टू कैलकुलेशन, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन आपका आंसर रॉन्ग आ जाए, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है उस पॉइंट का कि आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है. तो स्पेशली गेट एग्जाम के लिए कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं रियल में बोलूं तो दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है ना. कंसेप्ट भी सीखिए साथ साथ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी करिए. कैलकुलेशन के रिगार्डिंग मैं यहां पर आपसे दो पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है. वो है पहला गेट कैलकुलेटर, जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूं. गेट कैलकुलेटर जो है ना वो इतना इजी नहीं है यूज करने के लिए. होता क्या है, जब आप क्लासरूम में बैठे होते हैं, जब आपको फैकल्टी टीच कर रहे होते हैं, या जब आप खुद से भी सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं घर में, या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आप हमेशा साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करते हैं जो आप बीटेक के टाइम पे करते आए हैं, ठीक है. तो उस साइंटिफिक कैलकुलेटर में, जो पहले गेट में भी अलाउड था लेकिन आज नहीं है अलाउड वो, ठीक है, तो उस साइंटिफिक कैलकुलेटर में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारे कैलकुलेशन को बहुत इजी बना देते हैं. लेकिन गेट कैलकुलेटर में बहुत ही लिमिटेड फंक्शन है, और गेट कैलकुलेटर को यूज करना इतना इजी नहीं है. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यूज ही नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है गेट कैलसी को यूज करने में, तो अगर आप डायरेक्ट एग्जाम देने जाएंगे तो आपके, यकीन मानिए, 10 मार्क्स, एटलीस्ट 10 मार्क्स बिकॉज ऑफ गेट कैलकुलेटर आपके कम हो जाएंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम गेट के एग्जाम में उसे यूज करेंगे तो. तो बेसिकली मेरा सजेशन यही है कि आप गेट कैलकुलेटर को स्टार्ट से ही आप यूज करना चालू कर दें. आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए गेट कैलकुलेटर का एंड्रॉयड में, ठीक है, और आप जब भी घर में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें, या आप जब भी क्लासरूम में कोई क्वेश्चन सॉल्व करें या कोई कैलकुलेशन करें, तो हमेशा गेट कैलकुलेटर का ही यूज करें. उसके अलावा दूसरा कैलकुलेटर आप यूज ना करें, ठीक है. स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम होगी, आपको लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इस कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि अभी का टाइम वेस्ट तो चल जाएगा क्योंकि आपके पास तो काफी टाइम है गेट एग्जाम के लिए, लेकिन वहां पर अगर 3 आवर्स में टाइम वेस्ट हो गया तो फिर वो आपको नहीं चल पाएगा. ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये मत सोचिए कि अभी गेट कैलकुलेटर यूज करने से आपका टाइम वेस्ट होगा, आप सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि गेट कैलकुलेटर यूज करने से कैलकुलेशन बहुत स्लो आपका हो रहा है. ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आप हमेशा गेट कैलकुलेटर का ही यूज करिए. दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका टेस्ट सीरीज, ठीक है. बेसिकली जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं, जब आप टेस्ट देते हैं बिफोर द गेट एग्जाम, एटलीस्ट मान लीजिए आप सब्जेक्ट वाइज 2-2 टेस्ट देते हैं, और फुल लेंथ अगर आप 8-10 टेस्ट दे के जाते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होते चले जाती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज अगर नवंबर से देना स्टार्ट करने वाले हैं, या आप अक्टूबर से देना स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप अक्टूबर या नवंबर तक का वेट करें अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाने में. कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो आपको शुरुआत से ही रखनी है. सपोज करिए अगर आप मार्च से तैयारी स्टार्ट करते हैं, या आप अप्रैल से करते हैं, आप जब भी तैयारी स्टार्ट करें, सपोज करिए आप अक्टूबर से करते हैं, सितंबर से करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तब से आप कैलकुलेशन को साथ ही लेकर चलिए, ठीक है. टेस्ट सीरीज का मीनिंग ये है कि आपका कैलकुलेशन तो ऑलरेडी स्ट्रांग है, आपको कैलकुलेशन में जो मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन तो आप फास्ट कर रहे हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन में जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, जो एक्यूरेसी की प्रॉब्लम्स हैं, वो जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ मैंने ये सिली मिस्टेक्स की हैं. तो फिर आप एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट देते हैं, फिर थर्ड देते हैं, फिर फोर्थ देते हैं, वन बाय वन आप अपनी सिली मिस्टेक्स को रिमूव करते चले जाते हैं. यकीन मानिए 1-2 टेस्ट में कभी सिली मिस्टेक्स रिमूव नहीं हो पाएगी. जब आप लगातार देते चले जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपकी हैबिट बन जाती है कि इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं विथ कैलकुलेशन, और मुझे मिस्टेक्स कम से कम करनी है, ठीक है. तो कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए टेस्ट सीरीज भी एक बहुत ही मेजर फैक्टर है, ठीक है. तो लास्ट में मैं आपसे इतना ही बोलूंगा, फिर से रिपीट करूंगा उस लाइन को,
कि गेट में 95% ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं उसमें कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं। अगर आप लास्ट 10 टू 15 ईयर्स के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दो दो पेज के भी होंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन वाइज 2 मार्क्स के क्वेश्चन काफी मिल जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा कि सारे मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 20-25 मिनट्स लगा देंगे तो फिर आपका गेट का एग्जाम में 20 क्वेश्चंस भी ओवरऑल सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए और दूसरा एक्यूरेट होना चाहिए, ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगेन गिव इंपॉर्टेंस टू कैलकुलेशन अलॉन्ग विद द कंसेप्ट इफ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड इन गेट एग्जाम, ठीक है। थैंक यू।